हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हिंदी, हिंदी में हमने एलकेजी में हमने पढ़े थे हिंदी, और हिंदी में हमने लिखे और सीखे, इसमें हम पढ़ेंगे। इसके पहले हमने क्या पढ़े थे, एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं हम। तो हमने इसके पहले पढ़े थे दो अक्षर वाले शब्द, जो ये थे। क्या थे? दो अक्षर वाले शब्द। उसमें था क धन प धन बराबर क, यानी एक एक शब्द को हमने यहाँ पे जैसे लिखे थे कि क धन प बराबर क प, ये ऐसे हम लोगों ने पढ़े थे। क्या? दो अक्षर वाले शब्द। उसमें टब, बस, रथ, फिर हल, पल, फिर खत, थन, नत, ये हमने पिक्चर बना के पढ़े थे। अब इसके आगे क्या है हम वो देखते हैं। तो पेज नंबर 39 में जग, नल, घर, यहाँ तक पढ़े थे हमने। क्या? दो वर्ण वाले शब्द। ओके, अब हम तीन अक्षरों वाले शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तीन अक्षर वाले शब्द। तो हम यहाँ पर पहले हेडिंग डाल देते हैं एलकेजी में, तीन अक्षर वाले शब्द। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाले तीन अक्षर वाले शब्द। ओके, ये तीन अक्षर वाले शब्द हैं। अब हम यहाँ पर पहले दो अक्षर वाले सीखे थे हमने, अब हम यहाँ तीन सीखेंगे। ओके, तीन अक्षर वाले में जैसे यहाँ पर है आपकी बुक में, ये देखिए यहाँ कमल का चित्र दिया हुआ है। क क धन म धन ल बराबर कमल, क धन ल धन म बराबर कलम, है ना। तो यहाँ तीन अक्षर वाले शब्द हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पिक्चर बना देते हैं कमल का, इस तरह से। ये हमने कमल का पिक्चर बनाया। उसके बाद यहाँ पर हम पेन का पिक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पेन। ओके, ये पिक्चर बना दिए, यानी कलम। ओके, हम ये पहले दो पिक्चर लिखेंगे, तो हम पहले समझेंगे कमल कैसे लिखना है। तो उसके हम एक एक शब्द लिखेंगे। जैसे दो वर्ण लिखे थे वैसे अब तीन वर्ण लिखेंगे। पहले दो वर्ण किए थे, अब तीन वर्ण। तो हमने यहाँ का पिक्चर बनाया कमल। अब यहाँ हम लिख देते हैं क धन ल, क धन म, सॉरी क धन म धन ल, है ना। तो ये हो गया क धन म धन ल, यानी बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? क म ल, यहाँ लिख देंगे हम क म ल, हमने ये लिख दिए। अब इसको हमको तीन लाइन में लिखना है, क्योंकि आपकी बुक में तीन लाइन में दिया हुआ है। ओके, तो हम इसको तीन लाइन में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से, ये। ओके, तो क म और ल, कमल, है ना। तो यानी क म और ये ल, कमल, इस टाइप से। यहाँ कमल का चित्र बनाए, यहाँ क धन म धन ल बराबर कमल, यानी दे कमल। अब यहाँ पर हमने ये पेन का चित्र बना दिए, काय का चित्र बना दिए, पेन का चित्र बना दिए। ओके, इस तरह से ये पेन। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे, अरे इसको पेन नहीं बोलेंगे, कलम, सॉरी कलम। तो ये क धन क ल, तो ल क ल क धन ल धन म। ओके, क धन ल धन म बराबर कलम, है ना। तो यहाँ पर हो गया बराबर क ल म। ओके, यहाँ पर हम तीन लाइन में लिख देंगे क ल म,
ये तीन लाइन में हमने लिख दिए कलम। जैसे यहाँ लिखे कमल और यहाँ लिखे कलम, यानी हम इसको पढ़ेंगे कैसे, क धन म धन ल बराबर क क म ल क म ल, फिर क धन ल धन म बराबर क ल म कलम, इस तरह से। तो ये दो अक्षर हमने आपको बताए कौन से वाले, तीन वर्ण वाले, कौन से वाले, तीन वर्ण वाले हैं ये। तो ये दो अक्षर हो गए तीन अक्षरों वाले शब्द। ओके, इसके बाद में इसमें और क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया कमल, उसके बाद देखते हैं और क्या है। तो यहाँ पर है बतख का चित्र, तो हम यहाँ पर बतख का चित्र बना लेते हैं। ओके, तो ये हमने बतख का चित्र बनाया। ओके, तो ये हो गया क्या, इस तरह से ये। अब ये बतख का चित्र बना दिए, उसके बाद यहाँ पर एक और बना देते हैं मटर। क्या बना देते हैं, मटर। ये हो गया मटर का चित्र, है ना। तो ये दो शब्द फिर से लिखे। अब ब थ क, तो ब ब धन त धन, फिर क्या आएगा ख ख, तो यहाँ लिखते बराबर ब थ ख बथक, है ना। अब यहाँ तीन लाइन पर लिख देते हैं ऐसे, तो ब थ ख बतख, उसके बाद आएगा मटर। क्या आएगा, मटर। हमने यहाँ पर क्या बनाए, मटर का पिक्चर बना दिए। ओके, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, म धन ट धन र बराबर म ट र। हम इसको तीन लाइन में लिखते हैं, तो म ट और र। हमने ये चार अक्षर आज कितने वर्ण वाले शब्द सीखे, तीन वर्ण, तीन वर्ण मतलब जो है तीन अक्षर वाले शब्द। ठीक, यहाँ पर एक दो तीन, इसको जोड़ के हमने एक शब्द बनाए कमल, यानी क धन म धन ल बराबर कमल क म ल, फिर इसको तीन लाइन में लिखे क म ल, फिर ब धन त धन ख बराबर ब थ ख ब थ ख, उसके बाद क धन ल धन म बराबर क ल म, तो क और ल म, फिर म धन ट धन र बराबर म ट र, तो मटर। तो ये तीन अक्षर वाले शब्द हैं जो कि आपकी बुक में यहाँ पर दिए हुए हैं, ये पेज नंबर 39 में। तो यहाँ पर आपको जैसे ये दिया हुआ है, तो यहाँ आपको लाइन में लिखना है क म ल, यानी क धन म धन ल बराबर कमल। तो ये आपको जो दिया हुआ है इस पे भी पेंसिल फेरना है, और यहाँ पर आपको लिखना है क कमल कलम, यानी यहाँ एक कमल कमल कलम कलम यहाँ पर। फिर उसके बाद इसके सेकेंड पेज में जो दिया हुआ है, हमने आज चार शब्द सीखे तीन अक्षर वाले, है ना। तो इसके जो सेकेंड पेज पे दिया हुआ है ब ब थ ख बथक, तो ब थ ख बथक, म म ट र म ट र मटर। तो ये तीन तीन लाइन में आपको पेंसिल से लिखना है, यहाँ पे पिक्चर दिए हुए हैं, है ना। और वही चीज़ मैंने बोर्ड पे लिखवाई हूँ, इसको आप देख लीजिए कि बोर्ड पे भी कैसे लिखे हुए हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको इसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से मैंने इसको पढ़ाई कि क धन म धन ल बराबर कमल, फिर क धन ल धन म बराबर कलम, फिर ब धन त धन ख बराबर बधक, म धन ट धन र बराबर मटर। तो इसको आपको इसी तरह से उच्चारण करते हुए एक वीडियो छोटे छोटे बनाना है, और इस बुक में आपकी बुक में भी लिखते हुए वीडियो छोटे छोटे बनाना है। कितने वर्ण के, तीन वर्ण वाले, कितने वर्ण के, तीन वर्ण वाले, कौन सी बुक में है ये, लिखे और सीखे,
ये बुक में। ओके, तो इसको आपको कंप्लीट करना है, आपकी बुक में पढ़ना भी है और बोलना भी है उसको और कंप्लीट करना। ओके स्टूडेंट, तो आप ये बोर्ड पे जो लिखा है इसको एक बार और देख लीजिए, फिर इसके आगे आपको पूरा करके मेरे को एक वीडियो छोटे छोटे सेंड करेंगे। आपका होमवर्क है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।